राधे राधे, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 5 और यहाँ पर मैं इंतजार कर रही हूँ डॉक्टर साहब का, क्योंकि ओम को लगाना है इंजेक्शन। तो उनका फ़ोन तो आ गया है कि आने वाले हैं, लेकिन बस उन्हीं को देख रही हूँ क्योंकि आज हॉस्पिटल नहीं ले गए हैं। कल उन्होंने बोल दिया था कि घर पर ही हम आ जाएंगे लगाने के लिए, तो बस उनका ही इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाएं तो फिर ओम को इंजेक्शन लगवा दें। और ओम को आप देख सकते हैं, ये देखिए खड़ा हुआ है, ये देखिए ओम खड़ा हुआ है आराम से, उसे अभी खा लिया इसने। अभी डॉक्टर साहब आ रहा होंगे तो बस इंजेक्शन लगवाना है इसको। और आज इसको फीवर भी नहीं था, नहीं तो कल तो बहुत ज़्यादा था। और फ्रेंड्स, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए हैं तो बस यहाँ पर मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, और दूध गर्म हो जाएगा तो फिर मैं बनाऊंगी चाय। और हालत देख रहे हो आप मेरी, क्योंकि सुबह से ही मैं काम में लगी हुई हूँ। मैं बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ कि आ जाए तो, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं इंजेक्शन लगाने में। उन्होंने पहले 12 बजे का बोला, फिर 4 बजे का, और अब आ रहे हैं 5 बजे। और ये किचन हो गई है पूरी तैयार, अभी पुताई नहीं करवाई है क्योंकि दिवाली आ रही है, तो दिवाली पर हम करवाएंगे पुताई। अभी ऐसे ही सेट कर लिया था सारा सामान, ये देखिए पूरा मैंने सामान ऐसे ही सेट कर दिया था। और मैंने कहा जब दिवाली आएगी तो फिर हम, शायद डॉक्टर साहब आ गए हैं, चलिए देखते हैं। आ गए हैं फ्रेंड्स। नहीं खा लिया, हाँ सब खा रहा। अब तो अच्छे में ही लगवाते है ना, और जब वो बीमारी आ गई फिर कम नहीं थी कितने। शटर लगा दो, अंदर आए तो मिल के निकल। और फ्रेंड्स, ओम को इंजेक्शन लगाने के बाद हमने कहा चलो संतोषी को भी दिखा देते हैं डॉक्टर साहब को। तो जैसे ही दिखाया तो वो बोलने लगे चलो कोशिश करते हैं, अगर बाय चांस सही हो जाए, इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसको भी 3 इंजेक्शन लगाए थे उन्होंने, तो एक इंजेक्शन तो वैसे वैक्सीन तो लगनी नहीं है क्योंकि वैक्सीन इसको हो गया है और ओम को हो गया, इसलिए वैक्सीन नहीं लगाई उन्होंने। जो मतलब ये लंपी रोग है ना, उसको हो जाता है तो फिर वैक्सीन मना कर देते हैं ये लोग, तो इसीलिए नहीं लगाई है। हाँ ऐसे इंजेक्शन लगा दिए हैं कि
मतलब 8 दिन में ये धीरे धीरे लंपी रोग इसका चला जाएगा, लेकिन जो पहले डॉक्टर आए थे उन्होंने तो साफ मना कर दिया था देखकर कि नहीं इसको ना कोई ट्रीटमेंट होगा और ना ही वैक्सीन लगेगी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा नहीं लगा देते हैं, कोशिश मतलब भगवान का आशीर्वाद रहा तो ये ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर तिवारी जी ने इसको पकड़ के रखी हुई है कि कहीं चली नहीं जाइए, और वो अपना इंजेक्शन भर रहे हैं जितने 3 लगना है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और ये देखिए इसने आज मतलब थोड़ा सा भूसा भी खा लिया था, रोटी भी खा ली थी एक, और पानी भी पिला दिया है। और इतना मारती है ये भी बहुत ज़्यादा, अभी तबीयत खराब है इस वजह से। तो ये देखिए अभी एक इंजेक्शन लगा दिया है, एक हाथ में रखे हुए हैं और एक और अभी भर कर लाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आई नहीं थी, मैं सिर्फ बेटी को मैंने दे दिया था कि वीडियो बना लो, मैं वहीं पर ओम को देख रही थी क्योंकि ओम की भी छोटा सा है, उसको भी 3 इंजेक्शन लगे थे। बहुत दर्द हो रहा था मुझे भी कि मतलब इतना छोटा बच्चे को 3 इंजेक्शन, आपने खुद देखे कैसे मतलब किस तरीके से लगाए हैं, तो बहुत दर्द हो रहा होगा उसको भी। और फ्रेंड्स देखने जा रही हूँ मैं भी इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं भी आ गई थी, इसको पास में ही खड़ी हुई है गली में, तो मैंने कहा चलो देख कर आती हूँ। सुबह भी आई थी देखने के लिए इसको, मम्मी ने पानी और भूसा तो रख ही दिया है। और ये देखिए जिम्मी भी आ गई है और इसमें गिर गई है, नली है जो पास में उसमें। अब ये जिम्मी की आदत है, जहाँ जाओ वहीं पर पहुँच जाती है। तो बस यहाँ पर तिवारी जी बता रहे थे, ये देखिए इसको ये लंपी मतलब ऊपर आ गया है पूरे शरीर में, इस वजह से इसको मतलब इतनी परेशानी हो रही है। और इसको नहीं, यहाँ पर बहुत गाय हैं, हम लोग तो सोच रहे थे कि चलो हमारी मतलब खुली हुई हैं इसलिए इनको हो रहा, लेकिन जो घर में बंधी हुई हैं चुनिया को हमने जिसको दिया था ना, तो वो तो खोलते भी नहीं है चुनिया को, लेकिन चुनिया को भी हो गया है बहुत ज़्यादा। पता नहीं उन्हें डॉक्टर को दिखाया या नहीं। तो ये देखिए एक और इंजेक्शन लग गया है, इसको भी 3 लगाए हुए हैं डॉक्टर साहब ने, 3 इंजेक्शन लगा दिए। और ये वाला इंजेक्शन ऐसा है कि ये मतलब जलन करेगा बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे जो लंपी रोग है वो हट जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताइए। ये देखिए गौरी आ गई है, Yeah.